मल मूत्र इंसानों का थूक वो सम्मिलित करने की वीडियो सामने आ रही है, जिसके बाद अब यूपी सरकार ने सशक्त कदम उठाए हैं। जो दुकानदार भी हैं वो किस तरीके से जो रूल्स हैं उसका उल्लंघन करते नजर आते हैं, क्योंकि न किसी ने मास्क लगाया है ना ही किसी ने ग्लव्स पहने हैं। लेकिन साफ तौर पर अब सरकार ने जो निर्देश पारित किए हैं उसमें कहा गया है कि जो दुकानदार हैं उन सभी को मास्क लगाना होगा, ग्लव्स लगाना होगा। लगातार सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें खाने पीने के सामान हो, जूस हो, ढाबे के खाने हो या रेस्टोरेंट हो, उसमें जो ह्यूमन वेस्ट होता है मल मूत्र इंसानों का थूक वो सम्मिलित करने की वीडियो सामने आ रही है, जिसके बाद अब यूपी सरकार ने सशक्त कदम उठाए हैं। फिलहाल हम नोएडा में मौजूद है, जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि जमीनी हकीकत क्या है। सबसे पहले आपको अमित यहां पर तस्वीरें दिखाएंगे कि जो दुकानदार भी हैं वो किस तरीके से जो रूल्स हैं उसका उल्लंघन करते नजर आते हैं, क्योंकि न किसी ने मास्क लगाया है ना ही किसी ने ग्लव्स पहने हैं। लेकिन साफ तौर पर अब सरकार ने जो निर्देश पारित किए हैं उसमें कहा गया है कि जो दुकानदार हैं उन सभी को मास्क लगाना होगा, ग्लव्स लगाना होगा, और खास तौर पर जो भीड़ यहां पर आती है ठेलों पर, रेस्टोरेंट्स पर, इन लोगों को भी खासी इंतजाम जो हैं वो करने होंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कि फलों की जो तस्वीर हो दादा, यहाँ पर काफी भीड़ होती है शाम में और सुबह में, है ना। तो अब सरकार कह रही है कि आप लोगों को ग्लव्स पहनना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, तो क्या पहनने के लिए तैयार है? क्या मैं बोलूं? नहीं पहनेंगे। क्यों नहीं पहनेंगे? हो ही क्या रहा है, जो क्या हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है। कह रही है सरकार की जो लोग कुछ गलत चीजें मिला देते हैं खाने पीने में तो उससे लोगों की हाइजीन को भी तकलीफ होती, स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, तो अगर आप लोग थोड़ा ग्लव्स पहनेंगे तो उनके लिए अच्छा है। सही है, और क्या। तो पहनोगे? और क्या, पहन लोगे। आप कैसे देखते हैं? अब तो दुकानदारों को ग्लव्स पहनना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, पहनेंगे? नहीं पहनेंगे, क्यों पहनेंगे? कोरोना से मरना है क्या? कोरोना नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि जो लोग खाने में गलत चीजें मिला देते हैं उससे ग्राहक भी बचा रहेगा, आप भी बचे रहेंगे। ग्राहक क्या चीज में गड़बड़ी है? सामान में गड़बड़ी थोड़े है, सरकारें गड़बड़ है। इस फैसले से खुश नहीं है? आपको जो हम बोल रहे हैं आप तो सीधे प्रसादन, तो मतलब खुश तो नहीं है, लेकिन इस सरकार से नहीं खुश है तो इस चीज का कौन खुश कर? इस चीज का देखिए स्वागत कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। दुकान पर भी आप देख सकते हैं साफ तौर पर भीड़ होती है। मैं कुछ लोगों से भी कोशिश करूंगी बातचीत करने की। मैम और सर, आप लोग भी अभी जूस सेंटर पर खड़े हैं, सोशल मीडिया पे चीजें आजकल वायरल होती हैं, आपने देखा होगा गाजियाबाद से आया था कि कुछ मलमूत्र मिला के दे रहे हैं, कहीं थूक मिलाकर दे रहे हैं, तो जब दुकानों पर जाते हैं तो इन चीजों को ध्यान में रखते हैं, हाइजीन देख के दुकान में जाते हैं? हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं। क्या क्या ध्यान देते हैं आप? यही है कि जितना हो सकता है जो उनकी प्रिपरेशन वगैरह है सब अपने आप कीनली ऑब्जर्व करते रहते हैं, बस यही है। ज्यादा से ज्यादा डिस्पोजल वगैरह यूज करते हैं वैसे, ताकि जो है वो किसी और के यूज बर्तन में ना दें वो। ये एक एहतियातन कदम है जो ग्राहक के तौर पर भी यहाँ पर उठाया जा रहा है। मैं आपको सीधे दुकानों पर इसलिए ले चलूंगी तस्वीरों के जरिए, क्योंकि ये सिर्फ जूस सेंटर्स के लिए नहीं बल्कि ढाबों के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए और अन्य सभी जगहों के लिए भी जो कायदे कानून है वो बनाए गए हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो लोग हैं बना रहे हैं वो भी किसी तरीके के हाइजीन का जो है वो फॉलो या प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो नहीं करते हैं। मैं और भी बातचीत करूं, आप लोग भी ढाबों पर खड़े रहते हैं, खाना वाना खाते हैं, ध्यान देते हैं कुछ भी खाने पीने के टाइम पे सफाई है कि नहीं? हाँ सफाई तो मैं बिल्कुल यहाँ पे भी गई हूँ, हर जगह सफाई है, और मैं ज्यादातर सफाई जगह होता है वहीं पे मैं खाती हूँ। उत्तर प्रदेश में कई सारी घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसमें खाने पीने के पदार्थों में मानव अपशिष्ट यानी कि ह्यूमन वेस्ट जो है वो पाया गया है, जिसके बाद सरकार ने एहतियातन कदम उठाते हुए दुकानदारों, रेस्टोरेंट और ढाबे वालों को ग्लव्स पहनने, हाइजीन मेंटेन करने की बात कही है। फिलहाल हम नोएडा में मौजूद हैं, तस्वीरें मैं आपको यहाँ के दिखाऊं कि फिलहाल हम मार्केट में हैं, जहां पर आप देखेंगे कि दुकानदार यहां पर मौजूद होते हैं, खाना बनाने वाले, फ्रूट्स बेचने वाले या फ्रूट जूस बेचने वाले लोग, खाने पीने वाले जो यहां पर आते हैं वो फिलहाल किसी भी तरीके से जो साफ सफाई है वो यहाँ पर मेंटेन होती नजर नहीं आती है। लेकिन अमूमन भी अगर आप ठेलों पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको लोग खाते पीते नजर आएंगे, लेकिन खासियत यहाँ पर यह है कि जो सेलर हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इस पूरे खाने को, बना रहे हैं, वो ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और हाइजीन मेंटेन करने की कोशिश लगातार यहाँ पर की जा रही है। कोशिश भी करूंगी मैं
भैया आप लोग ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी बात है, सरकार भी कह रही है कि हाइजीन मेंटेन करना है, लेकिन अब मास्क पहनने के लिए भी कहा गया है, तो क्या फॉलो करेंगे इन नियमों को? हाँ, करेंगे। लोग यहाँ पर आते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे चीजें वायरल होती हैं कि कुछ मल मूत्र मिलाया जा रहा है, तो कितनी सफाई का आप लोग ख्याल रखते हैं? बहुत सफाई का ख्याल रखते हैं। अच्छा, लोग आते हैं, कभी सवाल वगैरह पूछते हैं? हाँ पूछते हैं। कुछ नहीं, बोल देते, सफाई रखते हैं अपने। तो यहाँ पर ये आपने देखा तस्वीरें, साफ तौर पर कि मेंटेनेंस जो है वो कोशिश की जा रही है कि किया जाए ग्लव्स पहन के। तो कुछ दुकानों में ऐसी तस्वीरें हैं सामने कि लोग कुछ फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं दुकानदार, कुछ अन्य भी हैं जो इस चीज को फॉलो फिलहाल नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या कदम उठाया जाता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तस्वीरें बाजारों की ये है कि घटनाक्रम बढ़ते जा रहे हैं लेकिन न लोगों द्वारा और न दुकानदारों द्वारा एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। मिलावटखोरों के खिलाफ जंग और शुद्धता के संग इरादा यही है योगी सरकार का, इसलिए आदेश जारी किए गए हैं। डिंपल यादव कल सवाल खड़े कर रही थी कि तिरुपति जैसे हालात वृंदावन में भी है, वहां से शिकायतें आ रही हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी था कि खाद्य विभाग को नया कानून बनाकर इस तरह की ड्राइव चलाने के निर्देश दिए जाएं। जो होटल हैं, जो रेस्टोरेंट संचालक हैं, उनके लिए नए नियम लागू किए जाएं ताकि हर चीज शुद्धता के दायरे में रहे, मिलावट अगर कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सके। लोगों को जो जब से ये आदेश आया है तो दुकानदार के मन में चिंता के भाव जरूरी है, लेकिन सब लोग तैयार हैं। सरकार ने आदेश दिए कि सारी चीजें बिल्कुल मैं बात ही कर रहा हूँ, ये मनोज जी हैं, सरकार ने आदेश दिए हैं कि अब शुद्धता का खास ध्यान रखा जाएगा, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सारी चीजें होंगी, जो काम करने वाले लोग हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा, ताकि जो शिकायतें मिलती हैं मिलावटखोरों की, शुद्धता से जो कॉम्प्रोमाइज होता है वो ना हो, तो उसके लिए तैयार हैं आप लोग? हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। अभी अभी तो आप जो ग्लव्स वगैरह तो आपके दिख रहे हैं? जी जी जी। हाँ, तो पहले से करते रहे? पहले शुरू से। अच्छा, तेल वेल कौन सा इस्तेमाल? रिफाइंड, हाँ, बावर्ची जी। उसकी शुद्धता की कैसे परख करते हैं? फिलहाल तो ब्रांडेड है, उसका ब्रांड तेल लेते हैं, लोकल लेते नहीं हम, है ना, वो गलत टाइम किसी इस्तेमाल नहीं करते हैं। ब्रांड वाले लोग जाने अगर वो तेल में गड़बड़ी? हाँ, वो जाने, वो जाने, ठीक। तो दुकानदार रहे यहाँ पे, जो खाने वाले लोग हैं उनसे ये जान समझ लेते हैं कि सरकार ने आदेश दे दिया कि अब शुद्धता, जो आपकी भावना है श्रद्धा है कि कई बार ऐसी चीजें आती है किसी ने जूस में कुछ मिला दिया, तिरुपति के लड्डू में ऐसी खबरें देखी, तो सरकार ने अब निर्देश दे दिया है कि अब ऐसी चीजें चलेंगी नहीं, बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई है। तो बहुत अच्छा किया वैसे, अगर ऐसी है शुद्धता के लिए अगर वो कर रहे हैं पब्लिक के लिए तो अच्छी बात है। जी जी जी। आप लोग प्रसन्न है कि कम से कम ऐसी कवायद शुरू हो रही है? भरोसा नहीं रहता था कि ये किस तेल से बनी है। हम लोग बहुत प्रसन्न है सरकार, लेकिन सरकार को ध्यान है, सरकार के नाक नीचे ही सब कुछ होता है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती। अब सरकार को ध्यान देना होगा शुद्धता के उस पर। ध्यान दिया भी है कि अब ड्राइव चलाएगा खाद्य विभाग, नए कानून बनाएगा, गाइडलाइंस होंगी, किचन भी सीसीटीवी कैमरे के दायरे में रहेगी, कोई गंदगी नहीं कर सकता। अच्छी बात है, लेकिन हम फिर से कहना चाहेंगे कि सरकार को इस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के नाक के नीचे ही ये सब कुछ होता है।